तो गाइस हमारे पास है ओप्पो A3s, बहुत सारा इसमें डाटा है, तो मैं इसे फॉर्मेट करना चाहता हूँ। तो किस तरह से फॉर्मेट करेंगे आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। यदि आप चैनल पर ना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। इसको फॉर्मेट करने के लिए सबसे पहले अपना फ़ोन जो है पावर ऑफ कर लेना है। तो यहाँ पर मैं पावर ऑफ कर लेता हूँ, यहाँ पर तो कुछ इस तरह से पावर ऑफ कर लेना है आपको। पावर ऑफ होने के बाद सिंपल पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन दोनों को आपको एक साथ क्लिक करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे हम क्लिक करके रखते हैं गाइस, कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएंगे। उसके बाद आपको पावर बटन जो है छोड़ देना है और वॉल्यूम डाउन जो है दबाए रखना है। गाइस कुछ इस तरह से इंटरफेस आने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल पावर बटन जो है क्लिक करना है। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे बहुत सारा आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, बट यहाँ पे जो हमारा बैटरी चार्ज है वो कम है, तो अभी शायद होगा। तो फिर भी आपको करके दिखाता हूँ मैं। सिंपल यहाँ पे डाउन बटन क्लिक करके वाइप डाटा पे चले आना है। वाइप डाटा पे आने के बाद सिंपल पावर बटन जो है क्लिक करना है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो आपके फ़ोन में जो भी लॉक होगा उसको सिंपल यहाँ पे दबाना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे लॉक जो है दबाता हूँ यहाँ पे, उसके बाद सिंपल यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ। ओके पे जैसे क्लिक करूँगा यहाँ पे देख सकते हो फॉर्मेट का ऑप्शन हमको देखने के लिए मिल गया है। तो आप किस तरह से फॉर्मेट करना चाहते हो यहाँ पे पूरा वीडियो में आपको दिखाए जाएंगे, अपने हिसाब से फॉर्मेट जो है कर लेना। तो मैं सिंपल फ़ोन को जो है फॉर्मेट करना चाहता हूँ, सिंपल वॉल्यूम डाउन को क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आने के बाद सिंपल पावर बटन जो है क्लिक करता हूँ। जैसे पावर बटन क्लिक करूँगा उसके बाद कुछ इस तरह से ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर से आपको पावर बटन जो है क्लिक कर देना है। जैसे पावर बटन क्लिक करेंगे हमारा फ़ोन जो है बिल्कुल फॉर्मेट होना चालू हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पे सक्सेसफुल फॉर्मेट हो चुका है, सिंपल ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद हमारा जो फ़ोन है ओके पे जैसे क्लिक करेंगे हमारा फ़ोन जो है बंद हो जाएगा, बंद होने के बाद फिर से चालू होगा। तो कुछ देर तक वेट करना है, हमारा फ़ोन जो है बिल्कुल फॉर्मेट हो गया है, इसमें जो भी डाटा था बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो गाइस फ़ोन चालू करने के बाद कुछ इस तरह से ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो सिंपल आप एक कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको कंटिन्यू क्लिक करना है। जैसे आप नया फ़ोन लेते हो सिम वैसा ही ऑप्शन इसमें देखने के लिए मिलेंगे। तो उसके बाद आपको स्किप कर रहे हैं गेट स्टार्टेड। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल हमारा फोन जो है बिल्कुल फॉर्मेट हो चुका है। जियो का पोर्ट कब आएगा यार, तो रुको यार, देख सकते हो कितना पसंद है। तो रिचार्ज है, अभी है रिचार्ज रहेगा, 50 रुपये ऐसे लगेगा, वो तुरंत हो जाएगा यार, तुरंत नहीं होगा।